मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चैनल में। फेरों से पहले ही दुल्हन दुल्हे के साथ लेट गई, वजह जान के वहाँ पर हैरान हुए और उसके बाद काफी ज्यादा खुशी जताई, दुल्हन की काफी ज्यादा तारीफ की। चलिए जानते हैं क्या है ये अजीबोगरीब पूरा मामला। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हमारे सामने मामला आ रहा है जहां पर एक्चुअली एक शादी हो रही थी। आप लोगों को पता है कि शादी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, और उसी के साथ साथ आप जब शादी करते हैं तब, या कोई भी जब शादी करता है तब वो ये चीज सोचता है कि शादी लाइफ में एक बार होनी है तो बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए। तो हर कोई अपनी शादी को धूमधाम से करने की कोशिश करता है और करते भी है धूमधाम से, अलग अलग चीजें भी की जाती है। पर आप लोगों को पता है कि आजकल के समाज में काफी सारी ऐसी चीजें, काफी सारी ऐसी सोच है जो कि लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जगह पर एक कोर्ट मैरिज कर ली जाए और उसके बाद जब अपनों को आप पार्टी वगैरह दे सकते हैं, पैसा भी बच सकता है और उसके बदले आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सुधार सकते हैं। जितना आप पैसा शादी में डालेंगे उससे ज्यादा आप जब कोर्ट मैरिज कर लेंगे उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा वो आपकी लाइफ के लिए आगे और भी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये सब चीजें आजकल की सोच है। आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो ये शादी हो रही थी काफी ज्यादा अलग थी, और ये लड़की के बारे में सुन के, जो दुल्हन के बारे में सब लोगों को पता चला, तब लोग काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। इवन उस दुल्हे की भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। जब वो शादी करने गया था सब रीति रिवाज सब रस्म और रिवाज हुए, और उस वक्त जब वो सात फेरे लेने वाले ही थे तभी वहां पर डॉक्टर की टीम पहुंच गई। और जब डॉक्टर की टीम पहुंची तब काफी ज्यादा हैरान हो गए लोग, और वहां पर सब मंडप में शांति फैल गई। और शांति फैलने के साथ वहीं पर दुल्हे ने ये चीज बताया कि आप जितने भी लोग आप डरिए मत, ये डॉक्टर की टीम मैंने मंगवाई है। मैं इसलिए मंगवाया है डॉक्टर की टीम कि मैं अपनी शादी अपनी लाइफ शुरू करने से पहले मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। वो अच्छा काम ये है कि जिन लोगों को एक्चुअली ब्लड नहीं मिल पाता मैं उनके लिए ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। तो ये सात फेरे से पहले मुझे ब्लड डोनेट करना है। तो उसने सात फेरे से पहले ब्लड डोनेट किया। इसके बारे में जब दुल्हन को पता चला तब दुल्हन ने भी उसके साथ लेट के अपना ब्लड डोनेट किया। जब धीरे धीरे इस चीज की खबर सब लोगों को पड़ी तो वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे, जो भी चाहता था कि वो ब्लड डोनेट कर सकता है, उसने भी उनके साथ दिया और उसके साथ ही वहां पर ब्लड डोनेट किया, जिसकी वजह से ये आज काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। और अपनी लाइफ की शुरुआत जिस तरीके से उस दुल्हे ने की है वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। आई होप गाइस आप लोगों को ये जानकारी जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके लिए खाली पड़ा है, आपकी लाइफ में आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करके वही पैसा आप अपने बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं कि लाइफ में आगे आपको काम आए, क्या है आपकी मेंटालिटी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।